इस्लाम गैरों के हकूक का भी तहफ़ रखता है, इसलिए हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा वजूद पूरी इंसानियत के लिए रहमत होना चाहिए। तो ये जो जहाँ जहाँ भी ये खुदकुश बम्बार ये अपने ये गंदी कार्रवाइयाँ करते हैं, हम उनकी पुरजोर मुसम्मत करते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि दुश्मन जो है वो हमारे मरकज़ों महवर और हमारे दिलों की धड़कन तक पहुँचा है। हमें होश के नहा लेने होंगे और उम्मत मुसलमान को इस फितने के ख़िलाफ़ जिस फितने की पेशन गोई हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने अक़दस में फरमा दी थी। आपने फरमाया कुछ लोग मेरी उम्मत में ऐसे उभरेंगे जो बज़ाहर कुरान पढ़ेंगे, जो बज़ाहर दीनी शबाहत रखेंगे और जो है वो उनकी उम्र भी छोटी होगी, वो मुसलमानों को कत्ल करेंगे, गैरों को छोड़ देंगे, दिल उनके सख्त होंगे। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने अक़दस से उनकी निशानियाँ बयान फरमाई और ये फितना जो है पूरी ताकत के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के दौर में पैदा हुआ, आपने इनके साथ जंग की। तो ये फितना हर दौर में नई शक्ल के साथ, कभी जो है वो दाश की शक्ल में, कभी तालिबान की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में जो है वो इंसानियत का खून करता रहा है। इसके नाम बदलते रहेंगे लेकिन इसका काम एक ही होगा, वो क्या है? इंसानियत का कत्ल, जिसकी इस्लाम कत्ल इजाज़त नहीं देता। ये तो जो बंदा ऐसा काम करता है उसका किसी मसले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब जो मदीना तैयबा में जो है वो ये काम हुआ तो वो तो करने वाला जहन्नम रसीद हुआ, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने क्या करना है। दुश्मन हमारे सरों पर आ गया है और इस्लाम को बदनाम करने वाले ग्रुप उनकी निशानदही करनी होगी कि ये वो ग्रुप है जो बज़ाहर उन्होंने अल्लाह अकबर का बैनर उठाया हुआ है, कलमा भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं कि ये मुसलमान हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के दौर में ये फितना हुआ तो आपने इनके साथ जंग का इरादा किया। सहाबा किराम जब इनका पता करने के लिए गए तो देखा कि वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं और कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं। तो सहाबा ने कहा अमीर मोमिनीन, वो तो कुरान भी पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर का नारा भी लगाते हैं। आपने फरमाया तुमने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी उधर से ये निशानियाँ नहीं सुनी? तो उन्होंने फरमाया, अर्ज़ की हाँ हमने सुनी हैं। आपने फरमाया ये निशानियाँ नहीं सुनी कि उनकी दाढ़ियाँ घनी होंगी, उनकी शलवार उनके टहनों से ऊपर होगी, वो टेल करवाएंगे, कुरान इस तरह पढ़ेंगे कि इस तरह बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, नमाजें इस तरह पढ़ेंगे इस तरह बड़ा को परहेजगार और ज़ुहद व तक़वा वाला इंसान है। तो क्या तुमने ये निशानियाँ नहीं सुनी? लेकिन दिल उनके सख्त होंगे, दिल उनके पत्थर होंगे, मेरी उम्मत से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है। तो सहाबा क्या फरमाते हैं, हमारा दिल रोशन हो गया, हमारा जहन रोशन हो गया। आपने फरमाया अगर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं तो या मोहम्मद का नारा लगाओ, ताकि पहचान हो जाए कि वो मोहम्मद का नारा नहीं लगाते। अल्लाह अकबर का नारा लगा देने से तो बंदा मुसलमान नहीं हो जाता। फरमाया तुम या मोहम्मद का नारा लगाओ ताकि पता चल जाए कि मोहम्मद को मानने वाले ये लोग हैं, वरना तो अल्लाह अकबर को पुकारने वाले तो कादियानी भी हैं, अल्लाह को मानने वाले तो वो खारजी लोग भी हैं, क्योंकि मुसलमानों का लिबादा ओढ़ कर वो मुसलमानों की सफ़ों में घुस कर मुसलमानों का कत्ल आम कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान का इंसानियत से कोई तलक नहीं। तो ईद के मौका पर यही मेरा पैगाम है, रमज़ान पाक का भी यही फलसफा है, रमज़ान पाक भी हमें ये भी सबक देता है कि मुसलमानों अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम अता फरमाया है, अल्लाह ने तुम्हें नबी रहमत अता फरमाया है, दीन अमन अता फरमाया है, जहाँ तक हो सके तुम्हारा वजूद दूसरों के लिए बाइस रहमत होना चाहिए, तुम्हारा वजूद दूसरों के लिए बाइस शफ़क़त होना चाहिए। और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक और किरदार के जरिए इस्लाम को फैलाया है, तलवार के जरिए नहीं बल्कि अखलाक और किरदार के जरिए इस्लाम को फैलाया है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं, देखा कि छोटा सा बच्चा रो रहा, हम तो अपनी खुशियों में जो है वो दूसरों को शरीक करना मुनासिब नहीं समझते, अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करना उससे हमें खुशी नहीं होती, लेकिन हमारे दीन का ये सबक नहीं है। हमारे दीन का सबक ये है
कि हम खुश भी खुद भी खुश हों, हमारे अजीज़ वकार भी हमारी खुशी में शामिल हों, हम उनकी खुशी में शामिल हों, और जो गैर लोग हैं उनको भी शरीक करें ताकि वो इस्लाम से मुतासर होकर दार इस्लाम में दाखिल हो जाए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को रोते हुए देखा तो आपने फरमाया, बेटा क्या बात है? फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, में यतीम न बाप है न माँ है, कोई बहन भाई भी नहीं है। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने ये नहीं फरमाया बेटा सब्र करो कुछ नहीं होता, आपने उसकी ऐसी दिलजोई फरमाई, आपने फरमाया, बेटा तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि मोहम्मद तुम्हारे वालिद हो, हदीजतुल कुबरा तुम्हारी वालदा हो, फातिमा तुम्हारी हमशीरा हो और हसन व हुसैन तुम्हारे भाई हो। आपने इस तरह तसल्ली फरमाई, घर ले आए, अच्छा लिबास पहनाया और वो बच्चा खुश हो गया। और यकीनन वो अपने दोस्तों को यही जाकर कहता होगा कि तुम तो मोहम्मद को ऐसे वैसे कहते हो, मैंने तो मोहम्मद जैसा कोई शख्स देखा ही नहीं। तो ये ईद का जो मामला है, ये हमें मुसलमानों की जो इज्तमाइयत है, मुसलमानों का एक होना मुख्तलिफ जगहों पर, ये यही सबक देता है कि मुसलमान जिंदगी के जो चार दिन हैं, तुमने हुकूकुल्लाह भी अदा करने हैं, हुकूकुल्इबाद भी अदा करने हैं, और तुम्हारा वजूद दूसरों के लिए रहमत का बायस होना चाहिए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल तो ऐसा होता था कि जो वो सदका किसी को देते वो सदका घूम कर फिर उसी शख्स के पास आ जाता। ये उनकी इस कदर कमाल था एक दूसरे को अपनी खुशी में शरीक करने का कि जो सदका वो निकालते अपने भाई को देते तो भाई जब लेता तो समझता कि मैं इसका ज़्यादा मुस्तहिक नहीं हूँ। जिस तरह जिस एक वाक्य में आता है कि एक सहाबी थे, उन्होंने कुर्बानी का गोश्त लिया और सीढ़ी जो है वो अपने भाई एक सहाबी को दे दी। अब वो उस भाई ने मुनासिब ना समझा कि मैं इस्तेमाल करूँ, उन्होंने अपने दूसरे भाई को दे दी, हत्ता कि वो सीढ़ी घूमती घूमती नौ सहाबा इकराम से होती हुई फिर पहले सहाबी तक आ गई। इस कदर के साथ इस कदर कुर्बानी थी, इस कदर का है वो जज्बा है जो है वो हमदर्दी था जो कि हमारे माशरे में हमारे मौजूदा दौर में बहुत कम नज़र आता है। हर वक्त हर चीज़ में हर इंसान में नस्सा नस्सी नज़र आ रही है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, हर बंदा अपनी ज़ात में गुम है। नहीं, इस्लाम हमें ये ईद का दिन इस्लाम दीन मज़हब हमें ये सिखाता है, तुम खुश हो तुम्हार अपनी खुशी में अपने हमसाय को भी शरीक करो, तुम खुश हो तो अपने गरीब मुसलमानों को भी उसमें शरीक करो। तो दोस्तों ईद का दिन ये पैगाम लेकर आता है और ईद का दिन ये अल्लाह ताला की खुशी और रजा का दिन होता है। ये 29 रोज़े हमने रखे, अल्लाह ताला अपने बंदों को भूखा प्यासा रखने का शौकीन नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों को भूखा प्यासा नहीं रखना चाहता, ये तो एक आजमाइश होती है। चंद दिन पहले हम गर्मी का शिकवा कर रहे थे, कल भी हम गर्मी का शिकवा कर रहे थे, अल्लाह ने ईद को ठंडा कर दिया। बाकी तो मौसम के तगैरात दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ हमें थोड़ी सी गर्मी लगी अल्लाह पाक ने वही मौसम को ठंडा कर दिया, वही मौसम में तगैर तबदल पैदा कर दिया। इसलिए कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, मेरी अता से मायूस नहीं होना, तुम एक दफ़ा सच्चे दिल से गायब हो जाओ, सच्चे दिल से तुम मेरे बंदे बन जाओ, सच्चे दिल से तुम नेकी पर इस्तेकामत रखो, फिर देखो कि मेरी अनायात इस तरह होंगी कि वही मौसम जो बड़ा ही गर्म है, वही मौसम जो बड़ा ही हबस वाला है, मैं उसी को ठंडा कर देता हूँ। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जुमे के दिन, ये जो जुमा की विदा है, जुमे से पहले हम आए तो मैं भी महसूस कर रहा था कि जुमा हम कैसे पढ़ाएंगे, ये लोग कैसे पढ़ेंगे, हबस होगा। लेकिन जुमे के दौरान ही अल्लाह पाक ने मौसम को बदल दिया, वही गर्मी एक खुशगवार मौसम में बदल गई। तो दोस्तों अल्लाह ताला भी जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तायब होता है, अल्लाह ताला भी उसकी ज़िंदगी को इसी तरह बदल देता है, उसी तरह उसमें तगैर पैदा कर देता है। कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी है उसी में इस चीज़ का जिक्र है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि बेशक अल्लाह ताला के वो बंदे जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, हम रोज़ा क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा है कि हमारा रब अल्लाह है, हम उसी के लिए रोज़ा रखते हैं, नमाज तरावी क्यों पढ़ते हैं, इसलिए कि हमारा रब अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक है, हम जो है तहज्जुद क्यों पढ़ते हैं, हमारा रब वाहदहुल्ला शरीक है, हम जो है वो किसी बंद कमरे में रोजे की हालत में नहीं खाते, हमारा ये अकीदा।
का हमारा ईमान है कि हमारा रब अल्लाह तआला शरीफ हमें देख रहा है। तो लबा फरमाते हैं मिन लजीना कालू रब्बुल्लाह सुम मस्तकाम, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है सुम मस्तकाम, फिर इस पर डट जाते हैं। असल में है डट जाना, रमजान पाक के रोजे रखे, नमाज तरावी पढ़ी, अल्लाह की हलाल करदा चीजों से हम रुक गए सुबह से लेकर शाम तक। खाना पीना जायज है, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं खाना, अमले ज़ौजियत जायज है, अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं करना, फरमाया कि ये हलाल करदा चीजें तुम रुक गए हो। बाकी महीने में तुमने इस्तेमाल इस तरह अख्तियार करनी है कि बाकी महीनों में तुम्हें अल्लाह तआला की हराम करदा चीज रुक जाना है। आज के दिन शैतान बाप अल्लाह कर रहा कि आज तुम रोजा क्यों नहीं रखते, आज तुम सुबह से लेकर शाम को शाम तक भूखे क्यों नहीं रहते, लेकिन आज अल्लाह का हुक्म ये है जरूरी वशरब, मेरे बंदो खाओ पियो और मेरी नेक तुझे लुत्फ अंदोज हो जाओ और शैतान को जमीन खार कर दो ताकि मैं शैतान को इस बात के बारे में गवाह बना सकूँ कि मेरे बंदे वो होते हैं, अगर मैंने कहूँ भूखा रहो तो भूखे रहते हैं, अगर मैंने कहूँ प्यासा रहो तो प्यासे रहते हैं, और जिस दिन मैंने कहूँ खाओ पियो वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। तेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन बाज लोग ऐसे भी होते हैं, बाज ऐसे भी मैं तो समझता हूँ बदबख्त होते हैं कि उनका सारा महीना बाजारों में गुजर गया, अच्छे भले हट्टे कट्टे होकर उन्होंने रोजे नहीं रखे, लेकिन अल्लाह ताला की नाराजगी का बायस। मैं उन्हें इस बात की तकदीर करता हूँ कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें और आइंदा जो है वो ऐसे गुनाह कबीला को करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अल्लाह तआला की बेआवाज़ है, जब वो पकड़ता है तो इंसान की अकल भी मारी जाती है, इंसान का शऊर ही मारा जाता है, उसे खबर ही नहीं होती कि मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो अल्लाह ताला के अहकाम से बगावत ना करें, अल्लाह ताला के अहकाम से रूगर्दानी ना करें, जो उसने हुक्म दिया है उस पर अमल करने की कोशिश करें, जो उसने रुख्सत दी है उस रुख्सत पर चलने की कोशिश करें। तो फरमाया सुम मस्तकाम, वो डट जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है फिर उस पर डट जाते हैं, तो क्या होता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे पर उतरते हैं। ये दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, आपने कभी महसूस किया हो आप कुरान पाक पढ़ रहे हो तो आपको एक अजीब सा कैफ महसूस होता है, एक अजीब सी एक रिकत से महसूस होती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अजीब सी मिठास महसूस होती है, वो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आपकी कुरान पाक की तलावत को सुन रहे होते हैं, आपके पास होते हैं। कभी कभी वो कफियत नमाज में महसूस हो जाती है, हर नमाज में नहीं, कभी कभी नमाज में महसूस होती है, आपको नमाज में बड़ा लुत्फ आता है, होता था रसदानो वाले इब्न मलाय अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, और अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे को क्या तसली देते हैं, वो तसली ये देते हैं अल्लाह हाफू वला तहज़न, ऐ बंदो तुमने खौफ नहीं करना, तुमने परेशान नहीं होना, आप शुरू बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुआदून, और वो फरिश्ते काहे बगाहे बंदा मोमन को जन्नत की बशारत देते हैं। मैं तुम्हें जन्नत की बशारत हो, घबराना नहीं, अगर भूख प्यास लगी है तो जन्नत में आपे मौसम भी मिलेगा। हजूर के साथ हजूर ने फरमाया जो दुनिया में जितना प्यासा रहेगा भूखा रहेगा यानी जो जितने रोजे रखेगा क्यामत के दिन अल्लाह ताला उसे उतना ही जामे मौसम कराएगा। तो हजूर के साथी थे वो कसर से रोजे रखते थे गर्मी के, तो किसी ने पूछा कि आप जनाब रमजान के अलावा कसरत से रोजे रखते हैं, तो आपने फरमाया मेरे मदनी आका ने फरमाया है कि जो भूखा प्यासा रहेगा ज्यादा यानी रोजे रखेगा फरमाया वो क्यामत को उसे ज्यादा जाने का अवसर मिलेगा, आबे कौसर मिलेगा, इसलिए मैं ज्यादा रोजे रखता हूँ गर्मी में ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा आबे कौसर मिल सके, कौसर का पानी मिल सके। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें, रमजान के रोजे हैं, महीने में एक आध रोजा रख लेना चाहिए, इसकी बड़ी बरकत है। हर सवाल का रोजा है कि शवाल के छः रोजे हैं या फिर अयाम में 20 के रोजे हैं, 13-24 बदल के वो रोजे रखने चाहिए, मतलब महीने में एक रोजा जरूर रखा करें, इससे एक तो प्रैक्टिस भी हो जाती है और दूसरा सवाब भी मिल जाता है। तो दोस्तों इन लगी नकाल दूसरी बात यह है कि बंदा मालूम करते समझ से कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत समाप्त कर लिए, पता नहीं
अगर तुम अपने लिए को खैर का काम आगे भेज देते हो तो उसका अजर अल्लाह से तलब किया करो, अल्लाह ताला से तलब किया करो, वो अजर बड़ा भी है और अजीम भी है। और इसके बाद अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला से इस्तग़फार करते रहो। हमने रोजे में नमाजें भी पढ़ी, शबीना भी सुना, लेकिन फख्र नहीं करना, या अल्लाह माफ़ी दे दे, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हम तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके, हर वक्त गुनाहगार है। तो अल्लाह ताला इस अदा को पसंद करते हैं, अल्लाह ताला इस काफियत को पसंद करते हैं कि मेरा बंदा बहुत कुछ करके भी इस्तग़फार कर रहा है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। मैं आखिर में इस मौका पर, ईद के मौका पर यही आपको नसीहत करता हूँ कि मुसलमान का वजूद दूसरे लोगों के लिए रहमत होना चाहिए। यही हमारे आका मौला का इरशाद है, मुसलमान का वजूद दूसरी इंसानियत के लिए शफ़क़त होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। इसी तरह इस्लाम फैलेगा, इस तरह हमारा दीन आगे बढ़ेगा। ये दहशतगर्दी, ये फितना वाराना फसादात, ये बम ब्लास्टिंग, ऐसे लोगों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुसलमान तो क्या, ये तो इंसान ही नहीं है। अल्लाह ताला दहशतगर्दी से, ऐसे फितना पर लोगों से उम्मत मुसलमान को, तमाम मुसलमान को, इंसानियत को महफूज रखे। मदीना पाक पर जो किसी उस लानती ने या किसी उस दहशतगर्द फिरके ने हमला किया है, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हजूर की बारगाह में माफ़ी मांगते हैं। या रसूल अल्लाह, ये हमारे ईमान की कमजोरी है, ये हमारे ईमान की कमजोरी है। या रसूल अल्लाह, हम आपकी बारगाह में यही इल्तिजा करते हैं कि आपकी नगरी भी आबाद रहे, हरमैन के ये बैन भी आबाद रहें, और वहाँ के हिम्मत गुजार भी आबाद रहें, और अल्लाह ताला हमें भी जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और इत्तिबा अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बला वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि टाइम हो चुका है, अब इंशाअल्लाह नमाज़ी पढ़ेंगे, नमाज़ी के बाद मुख्तसर से दो खुतबे होंगे, वो हम पढ़ेंगे। नमाज़ी का तरीका ये है कि तकबीर तहरीमा, उसके बाद हम सुबहानकल्ला पढ़ेंगे, और सूरह फातिहा से पहले तीन जायद तकबीर होती है, फिर सूरह फातिहा और सूरत के बाद रुकू, सूरत के बाद दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे, सूरह फातिहा और एक सूरत के बाद रुकू से पहले तीन जायद तकबीरें होंगी, और फिर सलात के बाद आपने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वो लिल्लाहिर हम्द इतनी पर पढ़ना है, मुख्तसर से खुतबे होंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, वमा अलैना इल्लल्बलाग वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब सब्र से